हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन पटियाला। इनमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाली है मैं आपको बता दूँ। 250 ग्राम चिकन ली हूँ मैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज है इसको मैं कट करके रख ली हूँ, 1 छोटा शिमला मिर्च है इसे भी मैं कट करके रख ली हूँ, 1 बड़ा टमाटर है इसको भी मैं कट करके रख ली हूँ, 1/2 कप मेथी पत्ता है इसको भी मैं कट करके रखी हूँ, 8 से 9 लहसुन है कली इसको भी मैं कट करके रखी हूँ, 1 इंच टुकड़ा अदरक का है इसको भी मैं चॉप करके रखी हूँ, 1/2 कप काजू पेस्ट है, 1/2 कप दही है, 1 बड़ा चम्मच हम लोग यहाँ क्रीम यूज़ करेंगे, 1 कप मैं रिफाइन ऑयल ली हूँ, 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 हरी मिर्च छोटे कट करके मैं रखी हूँ, गार्निशिंग के लिए धनिया। अब मैं मसाले में आती हूँ। 4 लौंग है, 3 इलायची है, 1 छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच गुलकी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच खड़ा ज़ीरा, स्वाद के अनुसार नमक। चिकन को हमें मैरिनेट करके रखना है। दही डाल दी मैं। ½ चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, गोल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे डाल के अच्छे से हम लोगों को मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए इसे हमें रख देना है। 1 बड़ा चम्मच मैं तेल डाली हूँ। इलायची, लौंग, जीरा, खड़ा जीरा डाली हूँ। उसके बाद सॉटे करने के बाद हमें प्याज को डालना है। प्याज को डालने के बाद लौंग को सिमट में सॉटे करनी है। अच्छे से चलाने के बाद इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसी तरह में चला लेनी है। फ्लेम को हाई रखनी है। स्टार्ट। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी मैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दी। इसे अच्छे से हम लोगों को चला लेनी है। फ्लेम को मीडियम रखी हूँ। अभी हम ये हम लोगों का मसाले को आधे निकाल लेना है हम लोगों को ग्रेवी के लिए। मैंने चिकन को मैं इसमें डाल दी। ये अच्छे से हम लोगों को चिकन को फ्राई कर लेनी है और इसे 2 से 4 मिनट ढक देनी है। फ्लेम को मीडियम ही रखनी है। चिकन तैयार है। अब मैं इसे निकाल कर रख लूंगी। ये हम लोगों की पैन गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल डालूंगी। इसके बाद मैं खड़ा जीरा डालूंगी। कद्दूकस किया हुआ लहसुन, कद्दूकस किया हुआ अदरक, इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए मैं सॉटे कर लूँगी। सॉटे करने के बाद इसके बाद मैं ये कस्तूरी मेथी के पत्तों को डालूँगी। 2 मिनट इसे भी मैं सॉटे कर लूँगी। उसके बाद मैं ये कटा हुआ शिमला मिर्च डालूँगी।
ये हाफ प्याज है, मैं कट करके दिखाना भूल गई थी, इसे इसमें डाल दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से हमें सॉटे कर लेनी है। ये हरी मिर्च में डाल दूंगी और इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए इसे चला दूंगी। ये गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, एक गोल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, दालचीनी पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। इसे अच्छे से चलाने के बाद फिर मैं ये ग्रेवी को भी डाल दूंगी इसमें और अच्छे से मैं चला लूंगी। अब इसमें मैं चिकन को डाल दूंगी और अच्छे से इसे चला लूंगी। उसके बाद काजू के पेस्ट को डालने के बाद इसे भी मैं अच्छे तरीके से चला लूंगी। कप में यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से ढक कर पकने के लिए मैं 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। हमें स्लो पे ही रखना है, इसे अच्छे तरीके से चला लेनी है और इसे मुझे 2 से 3 मिनट के लिए और स्लो फ्लेम में पकने के लिए इसे छोड़ देनी है। इसे एक दफ़ा चला लेनी है मैं। चलाने के बाद लास्ट में मैं क्रीम डालूंगी। क्रीम डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे और मैं स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर दे रही हूँ यहाँ पर और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे और स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। पटियाला चिकन बनकर तैयार है और मैं इसे सर्व करूँगी। इसे मैं क्रीम और बादाम से सर्व कर चुकी हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।